अच्छा, तो क्या तुम्हारी बहन हर बार इतनी देर से ही आती है? मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। बट आई एम नॉट फनी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो आएगी? पता नहीं। और अगर वो नहीं आई तो? शिल्पा, क्या वो तुम्हारी बहन है? रानी, मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मेरा पीछा मत करो। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगी। मैं बता रही हूं तुम्हें। क्यों कर रही हो? अगर तुम रुकी नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अमन, जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बोला था ना, यहां मत आना। अगर तुमसे मिलकर मुझे मौत मिलती है तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है रानी। पहले मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, जैसे मेरे सर पर मौत का साया हो।
और सब कुछ उस धनराज की वजह से हुआ। सुनो अजय के, अभी से हम इस लड़की की बॉडी पे टेस्ट करेंगे। ठीक है। वहीं खड़े रहो। तुम सच में बहुत ही दिलचस्प हो। नीडल्स लाओ। हिलो मत। हम दोनों को मिले कितने साल हो गए? बहुत टाइम। दिखाओ जरा। सर, रानी में हमने IBF बेबी इम्प्लांट कर दिया है, वो अब इंसान में बदल गई है। पिछले 2 महीने से ये एक वैम्पायर थी ना, तो अभी इंसान कैसे बन गई? इसके जिन ने हर प्रोसेस में हमारे खून को रिजेक्ट किया है। बड़ी अजीब बात है। आज रात तुम इसे बाहर लाना। हाँ। डेविड, दरवाजा बंद कर दो। डेविड, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शिल्पा दीदी क्या कहेंगी? मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूं। मुझे बताओ, लड़की है या लड़का? एक लड़की। ये उसे दे देना और उसका नाम रोशनी रखना।
I'm sorry. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई. कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ती. यकीन नहीं होता कि डेविड उसके साथ ऐसा कर सकता है. डेविड ने धनराज के साथ एक एग्रीमेंट किया था. कैसा एग्रीमेंट? उस दिन तुम्हें बचाने के लिए डेविड ने धनराज का गुलाम बनना स्वीकार किया. आज तुम्हारा बर्थडे है. डेविड, मैंने सोचा था उससे भी खराब हो. से शूट क्यों किया? यह करना जरूरी है. अगर यह अटैक करेगी तो घबराने की बात नहीं है, यह मरेगी नहीं. साइन कर दिए हैं. तुमने की? मुझे हाथ मत लगाओ. क्या तुम ठीक हो? जरा इसे चेक करो. मुझे एक फोटो लेनी है. कृष्णा, मुझे रिकॉर्ड्स दिखाओ. Thank you.
पंकज, मैंने सोचा है मेरा और ज्यादा खून इकट्ठा कर लो। हाँ मुझे एक नीडल दो। तुम वहां से भागी कैसे? उसने मेरी मदद की, जाहिर है उन्होंने मेरा पीछा किया, और उन्हें पता होगा कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। तुमसे मिलने से बचने का कारण है कि मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। अब हम मिल गए ना, मैं दोबारा तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो ये कहानी है। वैसे इसके अलावा तुमसे मिलके अच्छा लगा रानी। मुझे भी। देखो, हम लोग इस फेस टू के बारे में जानते हैं, लेकिन ये फेस टू आखिर है क्या? नॉर्मली वैम्पायर्स काटते हैं किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए, लेकिन धनराज इससे भी ज्यादा चाहता है। वो चाहता है कि इंसान उसका खून चखें और गुलाम बन जाएं। अच्छा, तो अभी उसका ये प्लान कितना आगे पहुंचा? मुझे पता नहीं। जब मैं वहां से निकली, मैंने देखा वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो अपने उस प्रोजेक्ट को ब्लड मिस बुलाता है, खून को धुंध में बदल देता है। ओह, क्या आविष्कार है! हम मर भी सकते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो वो धुंध किसी पर गिरेगी तो उसका कोई इलाज नहीं है? इसी वजह से धनराज मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो टेस्ट कर रहा था, तब मेरे खून की जरूरत नहीं थी। मेरा खून वैम्पायर को वापस एक इंसान में बदल सकता है, जैसा आलिया के साथ हुआ है ना? हाँ। अब वो कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? वो अब नहीं रही। धनराज के किलर ने उसे मार डाला। जो कोई मुझसे जुड़ा उसको मार दिया गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, धनराज की गलती है। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, मतलब ये ब्लड मिस प्रोजेक्ट, तो आज जो हमने देखा ये उससे जुड़ा होगा। मुझे लगता है ये धनराज बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। मैंने और सूजन ने उन वैम्पायर्स का सामना किया। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रानी मिल गई है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया।
लेकिन अगर रानी के मिलने की वजह से किसी की मौत होती है या मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाते हैं तो वो गलत होगा। और धनराज ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हमारे मकसद अलग अलग हैं, लेकिन दुश्मन एक ही है। मैं इसके लिए तैयार हूं। तो फिर सबसे पहले हमें उसका प्लान जानना होगा। पता नहीं ये यूजफुल होगा कि नहीं। लेकिन हमारे चीफ तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इसे कुछ इस तरह समझे कि धनराज इस शहर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आ, आ, मुझे कमजोर मत समझो, मैं नहीं बताऊंगा। इसे मार देते हैं और इसका खून पी लेते हैं। शांत हो जाओ अमन, शांत हो जाओ अमन। कोई फायदा नहीं होगा, ये सब बकवास है। धनराज का प्लान कहां तक पहुंचा है हमें नहीं मालूम है, पर मेरे पास और एक तरीका है। मेरे दिमाग में अभी एक तस्वीर घूम रही है। चीफ, अब आप मुझे बता सकते हो? हाँ, हमें अब जल्द से जल्द उसे मारना होगा। जिस दिन मुझे इंजेक्शन दिया गया था उस समय उनकी सोच में जो तस्वीरें थी वो सब की सब मेरे दिमाग में डाल दी गई थी। ब्लड मिस्ट उनका प्रोजेक्ट, वो
वो शहर में सभी को वैम्पायर बना देना चाहते हैं, वो भी खून से जो वो सदियों से बनाते आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, देश के बड़े लोग उनके इस डस्ट प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए होंगी ताकि वो लोगों में ब्लड बॉम्ब प्लांट कर सके। जब खून का धुआं पूरे शहर में फैल जाएगा जो कि वैम्पायर का खून है, और किसी चैरिटी प्रोजेक्ट के नाम पे वो वैम्पायर में डेवलप किया गया है, उनका इरादा है कि पूरा शहर इससे ग्रस्त हो जाए। और उसके बाद वो शुरू करेंगे एक ऐसा आखिरी प्रोसेस जो शहर को पूरी तरह से बदल डालेगा। उसमें मौजूद होगा खून का दूसरा सेट जो बाद में रिलीज किया जाएगा, जो पहले रिलीज ब्लड को और खतरनाक बना देगा। वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा, जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो ये शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी। पहले मेरे दिमाग में कई सवाल आते थे, जैसे कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं। मेरे ना मरने का कारण क्या है? और मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? इन सवालों के जवाब मुझे पहले ही मिल चुके हैं, और वही जवाब मुझे यहां तक लाए हैं। अब मेरे साथ अलग अलग तरह के दोस्त हैं, इंसान भी और वैम्पायर भी। सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कि कबीर, एक इंसान जिसमें इंसाफ को ढूंढने की काबिलियत है और जज्बा भी है। काबिलियत के दम पर ही वो अपने हर काम को अंजाम देता है।
और सूजन, जिसके लिए कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, वो चीजों को जानती है, उन्हें परखती है और हर मुश्किल का हल निकालती है। लेकिन कानून ही कभी कभी उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वहीं एक तरफ श्रेया है जो कि हर बात से घबरा जाती है और डर से बाहर निकलने की कोशिश में उसका सामना वैम्पायर से हुआ और डर से भी, और वो हमारी टीम का हिस्सा बन गई। अब ये दोनों ही लड़कियां बहुत निडर बन चुकी हैं। अब ये किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। वहीं एक तरफ रानी है जो कि बहुत अलग तरह की वैम्पायर है। वो खून पिए बिना जिंदा रह सकती है। ये एक ना सुलझा हुआ रहस्य है, उसकी जिंदगी का एक मकसद है, उसे अपनी बहन के साथ रहना है जो है शिल्पा। शिल्पा एक वही है जिसे अपनी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह से मालूम है और वो है अपने दर्द के कारण का डटकर सामना करना, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसके दुश्मन शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। हम सब भले ही अलग हों पर अभी हमारा नजरिया इस मामले को लेकर एक ही है, बुराई को रोकना। ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। सर, कल के लिए सब कुछ तैयार है। अच्छा है। ओके सर।
अब सब कुछ तैयार है, सही वक्त का इंतजार करना है। बहुत अच्छे। पता है मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि शिल्पा की टीम यहां आएगी? अगर वो लोग यहां पर आएंगे तो उनका मरना तय है। मैं उनके स्वागत के लिए तैयार हूं। ए सुनो, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। चलो अच्छी बात है। इतना जल्दी कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया ये? जैसा कि हमने तहकीकात की थी तब यहाँ बहुत कम लोग थे। चलो अब देखते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। सही कह रहे हैं। तुम गाड़ी रेडी रखना, यहाँ से निकलते ही हम लोग भाग जाएंगे। ऐसा है तो मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अगर इस बारे में बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हमें बिल्डिंग में घुस के 40 बॉम्ब्स को रोकना होगा। हमारे पास यही एक मौका है, हम इसे गंवा नहीं सकते हैं। चीफ की बात याद करें तो ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अभी दूसरा झुंड भी आ रहा है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। सही फ्लोर का बटन दबाया था ना? वैसे
हम जब वहां पहुंच जाएंगे तो धनराज का कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा उनके खून से। तुम पागल हो। कबीर, सुजन संभाल के रहना। लेकिन सर, क्या ये फ्रेज 2 है जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे? सही समझी। सही कहा, तुम वही लोग हो जिनसे धनराज नफरत करते हैं। अब क्या करें? यहीं पे इस फेज 2 को बंद करेंगे। और क्या कर सकते हो तो करो, करो। रुक जाओ, मुझे लगता है कि धनराज इस वक्त लेफ्ट विंग में है। मैं देखता हूं। रुक जाओ। पर क्यों? पहले मैं आगे जाऊंगा। बस अभी आया। हमारा स्वागत इस तरह होगा, ये मुझे नहीं मालूम था। आ जाओ। कबीर, मैंने सुना है कि तुम जान लेने में बहुत माहिर हो, तो फिर आ जाओ और दिखाओ अपनी काबिलियत। वो तो तुम्हें दिख जाएंगे, पहले ये छुपना तो बंद करो। मारो, दिखाते हैं। सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। चलो सुजन।
सब साफ हो गया, आ जाओ। सूजन, चलो। बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई रानी। ओ, मैं कितना बदतमीज हूं ना। क्यों शिल्पा, तुम्हारे बारे में लोगों से सुना है, खासकर तुम्हारी इस बहन के बारे में। चुप करो, और तुम अब क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहती हो। तुम्हें हीरो बनना है क्या? सही कहा ना? नहीं, मैं तुम्हें मारने आई हूं। अपनी बहन के सामने होशियारी दिखा रही हो, पर जब तुम मेरे साथ थी, तुम्हें याद है तुम अपनी मौत की भीख मांग रही थी मुझसे। हिलना मत, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। तुम जानते हो, तुम लोगों को यहां देखकर मैं इतना खुश क्यों हूं? मैं तुम लोगों को मारकर पूरे शहर पर राज करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें यही चाहिए है ना? पूरा हो गया, ये सब करना बंद करो धनराज।
तुम सब पागल हो गए हो। जो मैं कर रहा हूं उससे लोगों को मदद मिलेगी। सभी लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। किसी की जिंदगी का तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। ये दुनिया ताकतवर लोगों की है, ना कि तुम जैसे कमजोर लोगों की। बात करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? पहला सेट काम कर रहा है, बस एक और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए ताकि वो लोगों में ब्लड बॉम्ब प्लांट कर सके।
जब खून का धुआं इस पूरे शहर में फैल जाएगा जो कि वैम्पायर का खून है, और उसके बाद शुरू होगा उनका आखिरी प्रोसेस ड्रम। उसमें मौजूद होगा खून का दूसरा सेट जो बाद में रिलीज किया जाएगा, जो पहले रिलीज ब्लड को और खतरनाक बना देगा। वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा, जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो ये शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ब्लड मिस्ट प्रोजेक्ट तकरीबन पूरा हो गया, बस कुछ दिन और फिर इस आसमान में चारों तरफ लाल रंग दिखाई देगा। जरा सोच के देखो, उस दिन पूरा आसमान मेरे खून से रंगा होगा, कितना खूबसूरत नजारा होगा। सुसन,
अमन अमन कुछ बदला नहीं है। तुम्हें सच में लगता है कि यह मुझ पे काम करेगा? तुम जैसे वैम्पायर्स नई दुनिया को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हो। ज्यादा जी लेने से कोई बदलाव नहीं होता है। तुम जैसे वैम्पायर्स को एक दिन लगता है ठीक होने में। पुराने हो गए हो। पर ये बहुत तेज है। उस खून के लिए जिससे बनने में सदियों लग गए, इसे देख के भी तुमने मुझे मारने के बारे में सोचा भी कैसे? अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम मेरी टीम में कभी शामिल नहीं होगे। नहीं, कभी नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। उस खंजर के बारे में सोचो जो तुम्हारे दिल को चीर देगा। तुम अब भी इरादा बदल सकते हो। तुम बहुत बोलते हो। अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो। देखो वो बेकसूर है।
थोड़ा और सूजन, हिम्मत रखो। सूजन तुम ठीक हो? सर मैं नहीं चल पाऊंगी। थोड़ा और सूजन, तुम कर सकती हो, हिम्मत रखो। आपको जाना चाहिए। तुमने ये बोला भी कैसे, हम यहां तक तो आ ही चुके हैं, बस थोड़ा और। सर मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मेरे कारण किसी भी मुसीबत में पड़ जाएं। आप जाइए, यकीन नहीं होता। क्या ये वही इंसान है जिसने इतने सारे वैम्पायर्स को मारा? हाँ मैं वही हूं, और मैं तुम्हें भी मार दूंगी। बेवकूफ। बस हो गया शिल्पा।
मुझे बस एक बात जाननी है, ये वैम्पायर बनने से पहले तुम थे कौन? तुम क्यों पूछ रहे हो? किसी ने कहा है मुझसे ये पूछने को। कौन है? मेरी पार्टनर ने, जिसका निशान अभी तुम्हारे सर पर है। अगर तुम मेरे आदमी बन जाओगे तो तुम्हें भी ये ताकत मिलेगी। तुम अब और नहीं बच पाओगे। वो तो देखते हैं कौन नहीं बच पाएगा। सुजन, 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 सब ठीक हो जाएगा सुजन। कबीर, हम दोबारा मिलेंगे। जरूर, मैं तुझे खुद मारूंगा, डरपोक। सुजन, उठो उठो, सुजन। मैं ठीक हूँ, मैं बेहोश हो गई थी। पता है मैं अभी कितना डर गया था। सर, आपको क्या लगता है शिल्पा उसे जीत पाएगी? तुम मेरा एम्पायर बनते हुए देखोगे, जो इस शहर को हमेशा के लिए बदल देगा। जरा आसमान में देखो शिल्पा, यह तो सिर्फ पहला वाला है और अभी से इतना खूबसूरत दिख रहा है। क्या चाहते हो तुम? ये सब रोक दो, अमर होना काफी नहीं है क्या? ये काफी है, वो काफी है, ये तुम जैसे वैम्पायर की सोच है। अगर मुझे कुछ बनना है तो उसके लिए एक एम्पायर चाहिए, समझ गए तुम?
शिल्पा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे सपने को पूरा होने से रोक पाओगी? देखो मेरा एम्पायर। शहर पर ड्रोन से बस एक स्प्रे, और जब वो पहले खून के सेट को छुएगा एक वैम्पायर बन जाएगा और मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो पूरी टीम आ गई। अच्छा है, मैं तुम लोगों को मेरा नया शहर बनते हुए दिखाऊंगा। एक शहर जहां पे कोई घाव नहीं, कोई बीमारी नहीं और मौत भी नहीं। रानी, ये तुम्हारे लिए। शहर पर ड्रोन से बस एक स्प्रे, और जब वो पहले खून के सेट को छुएगा वो कैटलाइजर बन जाएगा। जो कोई भी उसे छुएगा वो इंसान पूरी तरह से एक वैम्पायर बन जाएगा और मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो पूरी टीम आ गई। अच्छा है, तुम्हारे आखिरी पलों में मैं तुम लोगों को मेरा नया शहर बनते हुए दिखाऊंगा। एक शहर जहां पे कोई घाव नहीं, कोई बीमारी नहीं और मौत भी नहीं। एक ऐसा शहर जहां से मेरे एम्पायर की शुरुआत होगी इस दुनिया में। छोड़ो मुझे। तो हम कुछ नहीं कर सकते। रानी, ये तुम्हारे लिए। रानी, 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 तुमने जो टांग अड़ाई है उसके लिए था। तुम्हारा खून एक वायरस है जो किसी काम का नहीं है।
धनराज, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। नहीं नहीं नहीं, जो धुआं तुम देख रही हो वो उसका खून नहीं है, वो रानी का खून है। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम मर जाओगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुमने मेरा खून बदल दिया, तुम्हें तो मैं जो तुमने किया उसके लिए। दीदी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
अब तक इसे संभाल कर रखा है। तुम्हें अभी पता चला? क्या तुम इसे वापस कर रही हो? बस दिखा रही हूँ, ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, ऐसे कैसे दे सकती हूँ? तो इसे संभाल कर रखना। हमारी जिंदगी भी कहाँ पहुंच गई? मतलब? हमारी जिंदगी की बात कर रही हूं। क्या से क्या हो गया, तुम मानती हो ना? तुम अब आगे क्या करोगी? क्या करूंगी वो तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि तुमसे दूर नहीं होंगी। इसको भी काटा। वैम्पायर। तेजी से भाग रहा है, अगर कोई ऑफिसर उस रूट पर है तो तुरंत रिपोर्ट करें। मैं एक ऑफिसर हूं मिस्टर, मैं वहां नहीं हूं पर आ सकती हूं। थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ। ओके, रेडी, 1, 2, 3।
देखो रेडी 1 2 3। ठीक है, ये पिक्चर अच्छी आएगी। अब फूलों को हटा दो, लव मुझे दे दो। एक दूसरे को कस के पकड़ो। शाबाश शाबाश, थोड़ा और नजदीक। हाँ शाबाश, बिल्कुल ऐसे। हाँ ओके। स्माइल करो, स्माइल दुल्हन, स्माइल करो प्लीज। ये ज्यादा स्माइल नहीं करती है। ओहो ठीक है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो स्माइल करो पिक्चर के लिए। दुल्हन थोड़ी मुस्कुराहट लाओ। दीदी स्माइल कीजिए। रेडी 1 2 3। ठीक है, शुक्रिया, मैं और फिल्म लेके आता हूँ। अभी आती हूँ। दीदी अब तुम कहाँ जा रही हो? ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, बहुत टाइट है। अमन मेरे साथ आओ। क्या बात है? मुझे अभी पता चला है तुम मेरी दीदी से बहुत प्यार करते हो। अगर मैं प्यार नहीं करता तो शादी क्यों करता? कोई और बात है क्या? मेरी दीदी बहुत अच्छी इंसान है। पर वो थोड़ी गैर जिम्मेदार है। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने धनराज को मारने में मदद जो की।
मैं जिंदगी को एक लंबा सफर समझती हूँ, एक सफर रानी के साथ मंजिल की तरह। जिसने मुझे अमन से मिलाया, एक इंसान जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, अब अगर कोई हमें जुदा करना चाहेगा तो मैं तैयार हूँ एक नए सफर के लिए। अब किस्मत भी मुझे उन लोगों से जुदा नहीं कर सकती। मैं न जी तू कैसे मिली।